हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN 12th क्लास। दिस इज अवर सेकंड टर्म कोर्स इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पीपल एंड द इकोनॉमी बुक। सेकंड बुक है, उसका लास्ट चैप्टर चल रहा है। उसका सेकंड पार्ट है पोल्यूशंस का, हम पढ़ रहे थे। तो सेकंड पार्ट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज टेकन एज एडिशन ऑफ कंटामिनेंट लाइक डस्ट, फंग, गैस, फॉग, ऑडर, स्मोक, वेपर्स, एयर इन सब्सटेंस प्रपोर्शन ऑफ द ड्यूरेशन दैट मे बी हार्मफुल ऑफ द फ्लोरा एंड फ्यूना एंड द प्रॉपर्टीज। आपको पता है कौन कौन सी चीज़ें हमारे एयर में अंदर घुसी हुई है और वो कौन कौन सी चीज़ें हमें क्या कर रही है, वो हमारे पूरे वातावरण को क्या कर रही है, एक पोल्यूटेड बना रही है। सो फ्यूना एंड फ्यूना फ्लोरा के लिए ये हार्मफुल है। विथ इंक्रीज यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ फ्यूल्स एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, आज के ज़माने में बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, वो सारे हमारे क्या है, एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं। देयर इज़ अ मार्क इंक्रीज इन एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज जो कि इंडस्ट्रीज से निकल रही है, एटमोसफेयर में फैल रही है, रिलीज हो रही है, वो क्या है, पोल्यूशन करती है। मेन कंबिशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये मेन है, अंडरलाइन कर लीजिए जो मैंने अभी बताया। फॉसिल फ्यूल, माइनिंग इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन। सो ये सारे आप अंडरलाइन करते जाइए। दीज प्रोसेस रिलीज, अब इसके अंदर क्या होता है, इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन। दीज प्रोसेस रिलीज ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लीड टू एब्स्ट्रैक्ट एयर पोल्यूशन, कॉज वेरियस डिजीजे, रिलीज टू डिस्पेरिटी नेवर एंड सिस्टम, और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को ख़राब करती है। स्मॉग फॉग ओवर सिटीज कॉल्ड अर्बन स्मॉग। आपको पता है दिल्ली के अंदर, अभी आप एग्जांपल देखेंगे, न्यूज़ देखते हैं, उसके अंदर अभी इतना प्रदूषण है कि हमारी स्कूल्स बंद करी गई है वहाँ पे। सम जो फॉग जो होता है वो अर्बन स्मॉग कहलाता है। इस कॉज टू एटमोसफेयरिक पोल्यूशन, अंडरलाइन कर लीजिए, एटमोसफेयरिक पोल्यूशन किसे कहते हैं, स्मॉग। अर्बन स्मॉग जो होता है वो एटमोसफेयरिक पोल्यूशन कहलाता है। इट प्रूव्स वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज टू एसिड रेन, ये एसिड रेन को भी बहुत करता है। इन रेन वाटर एनालाइज द अर्बन इन्वायरमेंट हैज़ इंडिकेट दैट pH वैल्यू ऑफ द फर्स्ट रेन आफ्टर समर इज ऑलवेज लोअर देन द सब्सटेंस रेन। नेक्स्ट आता है नॉइस पोल्यूशन। स्टूडेंट इन पे क्वेश्चन जरूर आता है। नॉइस पोल्यूशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ अनब्रियेबल एंड अनकंफर्टेबल ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज़ कॉज बाय नॉइस एंड डिफरेंट सोर्सेज। जब कान को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है या कोई आवाज़ ऐसी लगती है जो हमारे कानों को चुभती है, दिस इज कॉल्ड द नॉइस पोल्यूशन। दिस मैटर हैज़ बिकम अ सीरियस कंसर्न ओनली इन रीसेंट ईयर्स ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजिक इनोवेशन। The main source of noise pollution are the various factories, mechanized constructions and demotions work, automobiles, aircraft. This is made added periodic but polluted noise from sense landscape your user is various festival programs associated with communities activities. आपको पता है कई activities ऐसी होती हैं जो हमारी noise pollution को बढ़ावा देती है। The level of street noise is measured by the sound level expressed term of decibel. डीबी से हम, decibel से हम इसको, sound level को हम मानते हैं, नापते हैं। Of course, these sorts of bigger nuisance is the noise produced by traffic because its intensity in the nature depend upon factors such as the type of aircraft, vehicles, train and condition of road. कई जगह अपने आप नॉइस पोल्यूशन हो जाता है। सी ट्रैफिक द नॉइस पोल्यूशन कंसर्व्ड ऑफ द हार्बर ड्यू टू द लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटीज़ बीइंग कैरिड। हमें पता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर नॉइस पोल्यूशन होता है, बट वेरियस इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़। सो नॉइस पोल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक एंड इट्स इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ये डिक्लाइन विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है फ्रॉम द सोर्स ऑफ पोल्यूशन। So industries areas, air drives of transportation, airport, etc. noise pollution, harshness and many metropolitan big cities in India. So हम कह सकते हैं noise pollution बहुत जगह पर अलग अलग तरह से। Urban waste disposable क्या होता है,
अर्बन वेस्ट डिस्पोजेबल, अर्बन एरियाज आर जनरली मार्क्ड बाय द ओवर क्राउडिंग. आपको पता है शहरों में भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है. कंग्रेशन इंडिकेट्स फैसिलिटीज सपोर्ट टू द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन. हर तरह की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और ग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रही है. एंड कंसिक्वेंट पुअर सैनिटेशन कंडीशंस एंड फ्यूल एयर, ये मेन है. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बाय सॉलिड वेस्ट हैज़ नाउ गॉट सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ इन्यूमरेस ग्रोथ इन क्वालिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू ए वेराइटी ऑफ ओल्ड एंड यूज आर्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल स्टेन स्मॉल पीस ऑफ मेटल्स, ब्रोकन ग्लास वेयर्स, प्लास्टिक कंसर्न्स, पॉलीथीन बैग्स. ये सारे क्या है, अर्बन वाटर डिस्पोजल. ये सब फेंक दिए जाते हैं पानी के अंदर. एंड फ्लॉपी सीडी डंप इन डिफरेंट प्लेसेस में. दीज डिस्कार्ड मटेरियल आर आल्सो टेम्ड रिफ्यूज गार्बेज रबीश. ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारे इसी के अंदर. इसमें दो तरह के सोर्सेज होते हैं. पहला होता है हाउस होल्ड और डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट. सेकेंड होता है इंडस्ट्रियल या कमर्शल इस्टेब्लिशमेंट. सो फर्स्ट हाउस होल्ड वेस्ट में हम कह सकते हैं डिस्पोज बाय अदर ऑफ पब्लिक लैंड और प्राइवेट कंसर्टेंट साइड में फेंका जाता है. ये जैसे यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है उसके अंदर देखिए. वेदर आर सॉलिड वेस्ट इन इंडस्ट्रीज यूनिट्स आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज थ्रू द पब्लिक म्यूनिसिपल फैसिलिटीज. हमें मिली हुई है छोटी छोटी पब्लिक ग्राउंड में ये फैला दी जाती है. द यूज टर्न आउट ऑफ एशेज डिस्कार्ब आर फ्रॉम इंडस्ट्रीज थर्मल पावर हाउसेज बिल्डिंग्स कंसंट्रेशन और डिमोलिशन हैव पोज प्रॉब्लम ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेशन. ये मेन सारी चीज़ें हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करवाती है. जो सॉलिड वेस्ट है कॉज हेल्दी हजार्ड. हमारे को जो सॉलिड वेस्ट है यहाँ पर जो कि गलता नहीं है वो हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है. सो स्मेल्स आती है उसके अंदर. सो यहाँ पर यही बताया गया है कि क्या क्या है. सो कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट इन एंड अराउंड अर्बन सिटीज सेंटर्स गिव राइज ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन टू रिवर्स, आपको पता है रिवर्स में फेंक दिया जाता है, वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर देता है. एंड अनट्रीटेड स्वैग जो कि होता है लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट करनी हो जाती है. अर्बन वेस्ट डिस्पोजेबल इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया. इंडिया के अंदर बहुत है, जैसे लाइक मुंबई कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्बन वेस्टेज है. सो अबाउट 90% ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड कर दिया जाता है. बट इन मोस्ट अदर सिटीज इन टाउन्स में सेंचुरी में अबाउट 30-40% ऑफ द वेस्ट जनरेटेड आर लेफ्ट अनकंट्रोल्ड विच अकोमोडेटेड स्ट्रीट ओपन स्पेस जो फेंक दिया जाता है हाउसेज से, और वो सीरियस प्रॉब्लम देता है. सो स्टूडेंट यहाँ पर हेल्दी हजार्ड और हमने ये अभी पढ़ा है. अब आपको इसके अंदर आता है रूरल अर्बन माइग्रेशन. सो यहाँ पर रूरल और अर्बन माइग्रेशन में अंदर हमने क्या पढ़ा है, इसको मैं कल नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी. टिल देन कीप वॉचिंग. थैंक यू.